वेलकम बैक। आप देख रहे हैं रूबरू और हमारे आज के खास मेहमान हैं श्री गोविंद राम चौधरी जी, अनमोल बिस्किट्स के मैनेजिंग डायरेक्टर। इस वक्त मैं खड़ी हूँ अनमोल बिस्किट्स के ग्रेटर नोएडा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में और यहाँ बहुत तेज खुशबू आ रही है बिस्किट्स के बेक होने की। चलिए बिल्कुल देर न करते हुए आपको अंदर ले चलती हूँ, देखते हैं कैसे तैयार होते हैं अनमोल बिस्किट्स। आइए, हम अनमोल के फैक्ट्री में आ गए हैं और ये जो जगह है यहाँ पर मिक्सिंग होती है, यहीं से वो प्रोसेस शुरू होता है। आइए जानते हैं, समझते हैं गोविंद राम जी से कैसे बिस्किट बनने का प्रोसेस शुरू होता है, बताइए। इस प्रोसेस को एक तरह से आप किचन की तरह समझ सकते हैं, जैसे घरों में किचन होता है, तो जिस तरह से घरों में किचन में साफ़ सफाई रखनी पड़ती है, जो यूटेंसिल्स हम यूज़ करते हैं वो हमारे प्रोडक्ट के लिए अच्छे होने चाहिए, वो सारी चीज़ हमें यहाँ मेंटेन करते हैं। और ये एक मिक्सिंग एरिया है जहाँ से हम जो भी मशीनों में रॉ मटेरियल जाता है बिस्कुट बनने के लिए वो इसी एरिया से फिट किया जाता है। बिल्कुल, हम हाइजीन कॉन्शियस एरिया में हैं, इसी वजह से आप ये कैप हमारे ऊपर देख रहे हैं। अब मुझे बताइए कि बिस्किट बनने का प्रोसेस क्या होता है। बिस्कुट बनाने के जो मेन तीन इंग्रेडिएंट्स होते हैं उसमें मैदा, ऑयल बोलते हैं हम उसको, पाम ऑयल होता है, शुगर, तीन मेन इंग्रेडिएंट्स हैं। इसके अलावा उसमें मिल्क पाउडर डाला जाता है जो कि एक टेस्ट डेवलप करता है। बाकी कई तरह के केमिकल्स होते हैं जो बिस्कुट को कलर लाते हैं, उसको रेस करते हैं, उसका स्वाद बढ़ाते हैं। तो रफली आप समझ सकते हैं करीब 25 तरह के मटेरियल्स उसमें डाले जाते हैं। जो रॉ मटेरियल या इंग्रेडिएंट्स हम डाल रहे हैं मिक्सर मशीन में, मिक्सिंग एरिया में उसे मिलाया जाता है। तो हम लोग चले कोई मिक्सिंग एरिया में चलते हैं। अब हम मिक्सिंग एरिया में आ गए हैं, यहाँ क्या होता है? यहाँ पे जो भी इंग्रेडिएंट्स हमने ऊपर प्री मिक्सिंग एरिया से डाला है इसमें सारे इंग्रेडिएंट्स आ जाते हैं और इनको एक निश्चित समय के हिसाब से इसको मिक्सिंग की जाती है। रफली वो 5 या 6 मिनट मिक्स करते हैं और मिक्सिंग करने के बाद वो डो तैयार हो जाता है। उस डो को फिर हम ट्रॉली में डाल के फॉर्मिंग सेक्शन में ट्रांसफर कर देते हैं। तो एक बार में कितने बिस्किट्स ये तैयार करेगा? ये 500 किलो का एक ट्रॉली होती है। 500 किलो, यानी कि अगर 500 ग्राम का एक पैकेट है तो 10,000 पैकेट बिस्किट्स। और फॉर्मिंग होने में कितना वक्त लगता है? फॉर्मिंग हो के बिस्किट बन के गोडाउन में पहुंचने में 2 घंटे लगते हैं। 2 घंटे का वक्त लगता है। ये आपने देखा कि अभी मिक्सर से इसे डो को इस ट्रॉली में खाली किया गया था और ये आप देख रहे हैं ट्रॉली डो से भरी हुई है। ट्रॉली में मैंने जैसे बताया 500 किलो डो है इसमें। अब इस डो को हम ट्रॉली से इसमें फॉर्मिंग सेक्शन में प्रिंट करेंगे। इसमें कोई ह्यूमन हैंड टच नहीं होता है, ये ट्रॉली इसमें टिल्ट हो जाती है, मशीन से हो जाती है। और जैसे ये टिल्ट होगी तो फिर ये अपने आप फॉर्मिंग सेक्शन में चल जाएगा। ये बिल्कुल किसी क्लॉथ की तरह लग रहा है, बिस्किट शेक का कोई, कॉटन का कोई क्लॉथ हो। अब ये इसका सांचा है, ये बिस्कुट यहाँ से डाई में कट जाता है, होते हैं ये वापस रिसाइकिल हो जाते हैं। अब यहाँ पर काफ़ी हीट महसूस हो रही है क्योंकि बेकिंग होता है यहाँ पे, यहीं पर बिस्किट क्रंची गर्मा गर्म बनकर तैयार होता है और उसके बाद फिर पैकिंग होती है। बहुत ही अच्छी महक आ रही है इसमें, कई फ्लेवर्स के बिस्किट यहाँ पर बेक होकर आ रहे हैं, बटर, क्रीम, ऑरेंज फ्लेवर, कई तरह के फ्लेवर्स, बेहतरीन। अब ये कहाँ पर इसको कलेक्ट करते हैं बिस्किट को? मतलब क्योंकि बिस्कुट काफ़ी गर्म होता है, पैकिंग में एकदम गर्म बिस्कुट पैक नहीं कर सकते हम लोग, थोड़ी कूलिंग होती है नेचुरल, फिर जाके पैकिंग होती है। 2-3 घंटे काफ़ी है कूल होने के लिए? नहीं, इतने समय नहीं चाहिए होता, कूल होने के लिए 15 मिनट काफ़ी है। क्या वो 300 फीट के बाद ही बाहर निकलेगा? 300 फीट के बाद बाहर आ? हाँ, बीच बीच में चेक करने के लिए कुछ भी विंडो लगे थे। ये विंडो है, इसे देख सकते हैं खोल के? हाँ, वैसे गर्म होगा, एक बार इसको खोलो तो। लेकिन वहाँ पहुँचने तक ये बिल्कुल रेडी हो जाएगा यहाँ, लेकिन बिस्किट काफ़ी गर्म होगा, अभी हम इसको छू नहीं सकते हैं। प्लस ये सॉफ्ट भी होगा, इसमें मॉइस्चर काफ़ी ज़्यादा होगा, और जब इसकी नेचुरल कूलिंग होगी तब ये हार्ड हो जाएगा। हाँ, वो नेचुरल कूलिंग में जा रहा है, मतलब यहाँ के जो इन्वायरमेंट है इसमें कूल होगा, अलग से कोई एयर नहीं लानी पड़ रही है। ये आपने देखा कि किस तरह से बिस्किट ओवन के बाद निकल के कूलिंग कन्वेयर में ठंडा हुआ बिस्किट उसके बाद इन मशीनों में आ जाता है। ये मशीनें पैकिंग मशीन को फीड करती है, ये पूरा ऑटोमेटिक सिस्टम है, इसमें कोई हैंड टच नहीं होती है। तो
आप देख सकते हैं किस तरह से आ रहा है। पहले पूरा उसमें कवर हो जाता है, बाद में फिर बाद में काटा जाता है। ये कटिंग हो रही है। जब कवर होता है तो उसमें भी एक सीलिंग होती है बीच में, वो यहाँ पे होल्ड करने के लिए, वो यहाँ पे होती है। कितने यहाँ पर वर्कर्स काम करते हैं? यहाँ 1000 वर्कर्स काम करते हैं एक शिफ्ट में। 1000? नहीं, दोनों शिफ्ट मिला के। अब इसके बाद ये फाइनली कार्टन में पैक हो जाता है। कार्टन में पैक हो जाता है। अपने वर्कर्स को आप क्या सिखाते हैं, या जब कभी भी इस तरह से इंस्पेक्शन पर आते हैं तो क्या बात उन्हें बताते हैं? हम वर्कर्स को यही सिखाते हैं कि जिस तरह से आप घर में अपना खाना बनाते हैं, जिस तरह से आप अपनी सफाई घर में रखते हैं किचन में, वही चीज़ आप फैक्ट्री में भी मेंटेन करें। जो अल्टीमेटली ये प्रोडक्ट भी फूड प्रोडक्ट है, कोई ना कोई तो इसको खाएगा, यूज करेगा, उन सब चीज़ों को ध्यान में रखने के लिए हम कहते हैं। बहुत खान पान की चीज़ में अगर सफाई बरती जाए तो उसका स्वाद दोगुना हो जाता है, क्योंकि वो सेहत को भी लगता है। यहाँ पर हम एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, आप कहीं मत जाइएगा, क्योंकि ब्रेक के उस पार हम चौधरी साहब की पूरी फैमिली से मिलेंगे और उनसे जानेंगे कि इस बिज़नेस में उनका कितना इंटरफेरेंस है, कितना लगाव वो रखते हैं, ये सारी बातें, तमाम बातें हम आपको बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। देखते रहिए रूबरू।